हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज, आप लोग बहुत ही ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि भाई धौलीगिरी जाओ। गाइज, मैं धौली से 5 किलोमीटर दूर से हूँ, यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। गाइज सीधा है ना, तो इसीलिए थोड़ा बहुत दिख रहा है यहाँ से। तो चलो अभी चल के दिखाते हैं आप लोग को बोर्ड के पास में जाके। गाइज देख लीजिए, यहाँ पर बोर्ड है, बाकी रहा 3 किलोमीटर, पूरी यहाँ पर 50 किलोमीटर है। मैं आपको अच्छे से जूम करके दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। देख लीजिए, आप लोग कमेंट करके बताओ जाएँ क्या पूरी, ज़रूर कमेंट करना। तो गाइज आप लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में गूगल मैप का लिंक दे दूंगा, आप लोग यहाँ पे आके घूम कर जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्लेस है गाइज, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। आप लोग भी आइए, फैमिली के साथ आना, कपल भी आ सकते हैं। गाइज 3 बजे के बाद आना, मैं भी सुबह से आ गया था, फिर भी मैं यहाँ पे घूम कर अच्छे से ब्लॉग कोशिश करूँगा बनाने के लिए आपके लिए। गाइज मैं अच्छे से क्वालिटी ब्लॉग देता हूँ। आप लोग वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। गाइज देख लीजिए, यहाँ पे बस स्टैंड है। गाइज मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। देखिए गाइज, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है गवर्नमेंट का, मैं आपको दिखाता हूँ। गाइज एवरीडे होता है शो, जो कि फर्स्ट शो होता है हिंदी में, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे होता है गाइज उड़िया में सेकेंड शो, और फ्राइडे सैटरडे संडे होता है गाइज सेकेंड शो इंग्लिश में, और मंडे के दिन बंद रहता है, ठीक है ना। और समर के दिन 7 PM to 7:30 PM गाइज होता है फर्स्ट शो, और सेकेंड शो होता है 7:45 से लेके 8:20 PM तक होता है, और विंटर के सीजन में 6:30 से स्टार्ट होके 7:05 PM तक होता है ये स्टार्ट, और सेकेंड शो होता है 7:15 से 7:30 तक गाइज, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग 25 रुपया दे के गाइस आप लोग यहाँ पे टिकट कर सकते हैं, और स्टूडेंट के लिए गाइस 10 रुपया विथ आईडी कार्ड, ठीक है ना। यहाँ पे तो लिखा हुआ है पार्किंग के लिए फ्री है, मगर धौली तक जाने के लिए गाइस ऑटो 20 रुपया लेता है, कार टैक्सी वगैरह लेते हैं 40 रुपीज़, और बस से जाओगे तो 120 रुपीज़ लेगा। मगर गवर्नमेंट बस में जो जाओगे ना, ये डिस्क्लेमर है गाइस, आप लोग 20 रुपया दे के जाके वहाँ पर घूम कर आ सकते हैं यहाँ तक 20 रुपया से बस, सिर्फ ये गवर्नमेंट का सुविधा है, आप लोग उससे लाभ उठाइए गाइस, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए गाइस। चलो चलते हैं आगे, यहाँ पे सीधा रास्ता है गाइस। आप लोग वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो डिटेल्स में है गाइस, बहुत ही प्यारा लगेगा, आप लोग एंड तक बने रहिए। आप जरूर आइए, यहाँ पे घूम कर जा सकते हैं, फैमिली के साथ भी आ सकते हैं गाइस, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। यहाँ पे धौली थोड़ा बहुत दिख रहा होगा शायद कैमरा में, पता नहीं चल रहा है गाइस। यहाँ पे है धौली का बोर्ड, यहाँ पे दोनों रास्ता है गाइस, धौली तक जाने के लिए और मंदिर के तक जाने के लिए। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को डिटेल्स में वीडियो बनाने के लिए, तो चलो आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। दोनों साइड पे रास्ता है, यहाँ पे है, मैं बोर्ड के पास में जाके थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ गाइस। ये पूर्व दिशा में पड़ेगा मंदिर, मंदिर और बाकी रहा 1.5 किलोमीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है उड़िया में। तो चलो चलते हैं, यहाँ पे देखिए गाइस लाइन कैपिटल बना हुआ है, यहाँ पे बहुत ही प्यारा लग रहे हैं गाइस, जूम करके कोशिश करता हूँ दिखाने के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस धौली का ग्राम पंचायत, पिकनिक स्पॉट है यहाँ पे, मोबाइल नंबर यहाँ पे दिख रहा है, मैं कैमरा में कैप्चर कर चुका हूँ। आप लोग जो भी आ सकते हैं यहाँ पे पिकनिक वगैरह कर सकते हैं। मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ गाइस, देख लीजिए यहाँ पे ये वाला रहा, ये वाला गाइस आप लोग आके यहाँ पे पिकनिक वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे 500 रुपया लेते हैं ये स्टेप के लिए, और आप लोग यहाँ से कोई भी सामान भाड़े में ले सकते हैं, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पानी का भी सुविधा है, जूम करके दिखाता हूँ, देख लीजिए गाइस पानी का भी सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। तो चलो अभी चलते हैं मंदिर को, और तो दोनों साइड में दिखाने के लिए कोशिश करूँगा गाइस आपके लिए। भाई आप लोगों का रिकमेंड वीडियो था ना, आप लोग बहुत ही ज़्यादा कमेंट करते हैं कि भाई जाके धौली का स्तूप का ब्लॉग्स बनाइए गाइस। आप लोग बोलो वीडियो बनाया कभी हो नहीं सकता है गाइस, ये आपका अपना चैनल है, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो 1K के लिए, बर्थडे से पहले थोड़ा सा 1K कर दोगे तो अच्छा लगेगा, फैमिली ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा गाइस आप लोग को इस चैनल पे। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा पार्क टाइप का बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, ये देख लीजिए बुद्ध जी की स्टैचू वगैरह बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत ही पॉजिटिव वाइब आ रहा है। आप लोग शाम के टाइम में आए, नहीं तो सुबह के टाइम में आए तो बीच में मत आए ना, क्योंकि धूप में सड़ जाओगे गाइस मेरी तरह, क्योंकि मेरे को ब्लॉग्स बनाना है, हर टाइम मेरे को जाना पड़ेगा किस तरह से। आप लोग आ सकते हो जा सकते हो, डिटेल्स में वीडियो बनाता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ गाइस सब्सक्राइब करके रखना, बहुत ही तगड़ा तगड़ा वीडियो आने वाला है। देख लीजिए गाइस यहाँ पे मंदिर दिख रहा है पूरा सीधे में है, तो चलो चलते हैं, यहाँ पे रास्ता है थोड़ा बहुत आप लोग पता चल गया होगा। देख लीजिए गाइस हम लोग मंदिर को और हम लोग आके पहुँच चुके हैं गाइस। मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रेट लेते हैं, तो आप लोग नीचे से खरीद लेना तो बहुत ही अच्छा रहता है गाइस। तो यहाँ पे पार्क कर लेते हैं गाइस, अभी टाइम हो चुका है 1:30 गाइस, बहुत ही धूप है, धूप में वीडियो बनाना पड़ता है आपके लिए। देख लीजिए गाइस धूप में थोड़ा बहुत कैमरा का क्वालिटी ख़राब आ रहा है, बहुत ही प्यारा भी लग रहा है। और एक सीन मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, ऊपर में है
देख लीजिए गाइस, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस। यहाँ पे रील्स वगैरह अच्छे से ले सकते हो। ये देख लो गाइस, तगड़ा चीज। कब बनेगा, औकातपुर घूमेंगे इसमें। कोई बात नहीं, आपका प्यार सपोर्ट रहेगा तो मिल जाएगा ये वाला चीज। देख लीजिए गाइस, मैं वहाँ से आया था, पानी का टंकी दिखा रहा था ना, जूम करके दिखा रहा हूँ गाइस। ये देख लीजिए गाइस, बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए गाइस, ये मंदिर का पिछला हिस्सा है जो कि धोली को रास्ता है। यहाँ पे कार बाइक वगैरह सब कुछ पार्क कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा लोग अभी आ चुके हैं गाइस, थोड़ा शाम होने को है क्योंकि मैं रुक गया था थोड़ा बहुत, क्योंकि धूप ना बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। आप लोग आना चाहते हो 3 बजे के बाद आना, मेरा कहना मानना, अच्छे से घूम कर जा सकते हो, नहीं तो मेरी तरह बहुत ही परेशान हो जाओ, बहुत दिक्कत होगा गाइस। इतना धूप है, पहाड़ के ऊपर है ना, बहुत दिक्कत होता है गाइस। यहाँ पे 16 शौचालय है, यहाँ पे आप लोग कुछ भी काम कर सकते हैं, पता होगा आप लोग को। तो चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे गाइस लिफ्ट वगैरह है भी, आप लोग जा सकते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं ना तो उनके लिए है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो स्तूप टाइप का दिख रहा है कुछ, यहाँ पे लिफ्ट वगैरह है और यहाँ पे सीढ़ी वगैरह है ऊपर जाने के लिए। तो बने रहिए एंड तक, आप लोग बहुत ही तगड़ा वीडियो देखने के लिए मिलेगा अभी, बहुत ही प्यारा से मैं आपको दिखाऊंगा सिनेमेटिक शॉट के साथ से। गाइस आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे, ये सीन चेक मारो गाइस, ये सीन। आप लोग एक बार आओगे ना परेशान हो जाओगे, रील्स और फोटो एकदम नेक्स्ट लेवल माशाल्लाह। आप लोग एक बार आओगे ना सोशल मीडिया में डाल ही दोगे, एकदम वायरल 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 निकल जाएगा गाइस, कसम से। ये सीन चेक करो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ, एयरपोर्ट पास में है। ये वगैरह रील्स में आएगा ना, एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाएगा आपका रील्स, कसम से। 3 बजे बाद में आना, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे शू वगैरह निकाल के जाना पड़ेगा ऊपर तक, देख लीजिए गाइस, बहुत ही ज़्यादा लोग हो चुके हैं अभी। बुद्ध जी यहाँ पे विराजमान किए हुए हैं। तो कमेंट में जो भी देख रहे हैं गाइस, कमेंट करो, अच्छा लग रहा है कि नहीं, ब्लॉग को कैसे इम्प्रूव किया जाए गाइस, कमेंट में ज़रूर लिखना है गाइस। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि भाई उड़िया में ब्लॉग बनाओ गाइस, मैं उड़ीसा को आउट ऑफ उड़ीसा में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं गाइस हिंदी में ब्लॉग्स बनाता हूँ। मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप लोग कमेंट कर रहे हो, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। उड़ीसा में जो भी चीज़ है आके आउट ऑफ उड़ीसा के लोग देखें। यहाँ पर फॉरेनर भी आ रहे हैं, मैं बात किया था उनसे, कैमरा में ला रहा था, वो मना कर रहे थे भाई कैमरा में नहीं जाऊंगा, उनका मर्जी है ना, उनको परमिशन लेके कैमरा में लाना पड़ेगा। गाइज जो कटक या भुवनेश्वर से देख रहे हैं वीडियो को गाइज, प्लीज़ आइए यहाँ पे, टाइम स्पेंड करके जाइए, क्योंकि गाइज काम तो हरदम रहेगा, बूढ़ा भी हो जाओगे, यहाँ से दुनिया से भी चला जाओगे गाइज, लाइफ को एंजॉय करना बहुत ही ज़रूरी है गाइज, आज नहीं तो कल चला ही जाओगे दुनिया से, मगर लाइफ को एंजॉय करना बहुत ही अच्छा रहता है, सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। नया नया जगह भी एक्सप्लोर करोगे ना, बहुत ही पॉजिटिव वाइब मिलेगा और पावर भी मिलेगा काम करने के लिए। देख लीजिए गाइस, ये शाम का सीन है, अभी टाइम हो चुका है 6:30, यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि लाइट शो स्टार्ट हो जाएगा गाइस। तो आप लोग आना चाहते हैं तो लाइट शो भी देख सकते हैं, कैमरा में तो कैप्चर नहीं हो पाएगा, माफ़ करना मुझे। तो चलो चलते हैं नीचे, ये देख लो गाइस, यहाँ पर दुकान वगैरह लगा हुआ है, आप लोग सामान वगैरह खरीद सकते हैं बहुत ही बोले तो चीप प्राइस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे गेट वगैरह बंद होने को है, कैमरा में तो अलाउ नहीं होगा, क्या दिखाएं यार आपको। तो यहाँ पे चेक मारो गाइस, बहुत ही तगड़ा चीज़ है, ये सीन चेक मारो, भगवान जी की तस्वीर वगैरह मिलेगा यहाँ पे कम रेट में, तो यहाँ पे आके ख़रीद भी सकते हो, एंजॉय करके भी जा सकते हो। यहाँ पे देखो शयन सज्जे में सोए हुए हैं, ये से चेक मारो गाइस, कार वगैरह में लगाओगे ना एकदम नेक्स्ट लेवल पॉजिटिव वाइब मिलेगा आपको। ये सीन चेक मारो गाइस, आप लोग कोई लेना चाहता है तो कमेंट करो, मैं उसको भेज दूंगा पार्सल। चलो चलते हैं मंदिर को और। ये सीन चेक मारो गाइस, यहाँ पे मंदिर है, अभी कोई नहीं है, मैं हूँ और मेरा फ्रेंड है। अभी टाइम हो चुका है 7:30, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे टहल रहा था, बहुत ही पॉजिटिव वाइब आ रहा है और हवा तो एकदम नेक्स्ट लेवल आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये सीन चेक मारो गाइस, भगवान जी विराजमान किए हुए हैं, कमेंट में जरूर लिखना जो भी सिख भक्त हैं, जय श्री राम और जय भोलेनाथ। तो चलो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ, और एक बार दिखा देता हूँ सीन, चेक मारो गाइस, ये सीन चेक मारो गाइस, भगवान जी बहुत ही प्यारा लग रहे हैं अभी, कमेंट में ज़रूर लिखना जय भोलेनाथ और जय श्री राम। यहाँ पे चेक मारो गाइस, जो जा रहा है ना बंदा, यहाँ से रास्ता है धौली स्तूप से, यहाँ पे ये पिछला हिस्सा है, यहाँ पे मंदिर वगैरह अच्छे से व्यू में ले लेता हूँ गाइस। वीडियो थोड़ा सा क्वालिटी कम हो सकता है क्योंकि रात का टाइम है, आपके रिकमेंड के हिसाब से वीडियो बन रहा है।
तो आप लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, भुवनेश्वर भी कटक से कोई भी आसपास से देख रहे हैं तो आइए, ज़रूर लाइफ को एंजॉय करिए, शाम के टाइम यहाँ पे टहल के जा सकते हैं। गाइस वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, वीडियो बहुत ही मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने के लिए, आप लोग को 10-15 मिनट या 20 मिनट लगता है देखने के लिए और बनाने के लिए गाइस, एक दिन दो दिन तीन दिन भी चला जाता है गाइस। प्लीज़ आप लोग को रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि आउट ऑफ उड़ीसा में उड़ीसा को रिप्रेजेंट करना है, मैं हिंदी में इसलिए ही वीडियो बनाता हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता हिंदी में वीडियो बनाने के लिए। आप लोग कमेंट भी बहुत ही ताना मारते हो उड़िया में वीडियो बनाओ, क्या करें यार, कुछ तो करना पड़ेगा उड़ीसा के लिए, उड़ीसा बहुत पीछे है, लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि यार क्या बताएं, एक बार एक वीडियो में बनाऊंगा उड़ीसा के बारे में अच्छे से। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, ये सीन चेक मारो गाइस, हवा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, जहाँ भी रहो अच्छे से रहो मौज में रहो।